इसकी बहुत सारी पॉलिसी थी, और फिर उसके बाद इंडियन लोगों ने कुछ रिवोल्ट किया, उसके बाद कुछ और लोग आएंगे जो हमारी सोसाइटी में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे। इसका रीजन होगा, ये सारे लोग बोलेंगे कि भाई ब्रिटिश लोगों ने जो भी हमारे ऊपर एक तरीके से रूल किया है उसका सबसे बड़ा रीजन हम खुद लोग हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई हम खुद कैसे हैं, तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में वो रिफॉर्म नहीं लाए जिसकी वजह से हमारे देश में इंटीग्रेशन होता, और इसका फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। इसलिए ये लोग समझते थे कि सबसे पहले हमें ब्रिटिश को हराने से पहले अपनी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे सोशल लेवल पे। लेकिन हमारी सोसाइटी लिंक थी रिलीजन से, और रिलीजन से लिंक होने की वजह से पहले इनको रिलीजियस रिफॉर्म लाने पड़े, और फिर उसके बाद सोशल रिफॉर्म आए। और हम देखेंगे कि भाई कॉजेस क्या कहते थे। कॉजेस सबसे बड़ा तो यही था कि ब्रिटिश लोगों ने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, तो हमें लगा कि भाई हम खुद ही अपने लिए सबसे बड़े रीजन है कि हम लोग अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वरना किसी और की हिम्मत क्या थी कि हमारे घर में आके हमें एक तरीके से टॉर्चर करता। फिर इसका कुछ नेचर है कि भाई कौन लोग थे जिन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया, एजुकेटेड थे अनएजुकेटेड थे, फिर उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इसकी। कुछ चीजें इनकी लिमिटेशन है कि ये सबको इंक्लूड नहीं कर पाए। अगली बात इसका इम्पोर्टेंस, इस मूवमेंट ने हमारे देश में इम्पोर्टेंस कैसे लिया, और कुछ रिफॉर्मर, कुछ फेमस रिफॉर्मर जो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, ये कुछ हीरो थे इन रिफॉर्म मूवमेंट के। तो रिफॉर्म वाले कुछ लीडर या हीरो के बारे में हम भी जानेंगे, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म से पहले सोशल और रिलीजियस मूवमेंट ने वो बेस रेडी किया जिसके बेस पे हमारा नेशनलिज्म बढ़ सके। तो उस जब भी किसी भी देश में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी या अपने अंदर ही झांकना पड़ता है, तभी एक तरीके से सारी चीजें सही होती है। हुआ क्या, सबसे बड़ा रीजन था जब ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को कॉलोनी बनाया, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ चीजें भी पढ़ी। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम लाया इंडिया में, तो एजुकेशन सिस्टम के बाद हम लोग वेस्टर्न जो फिलोसॉफी थी उसके कुछ चीजों को जाने, जैसे उन्होंने बोला इक्वालिटी, ये सब इक्वालिटी से जीने चाहिए। इन्होंने बोला फ्रीडम, हमें फ्रीडम का मतलब भी पता चला। इन्होंने बोला लिबर्टी, कि भाई हमें लिबर्टी होनी चाहिए लाइफ में। तो ये सारी चीजों से हम भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए, और जब इंट्रोड्यूस हुए तो हम लोग बोले कि हमारी सोसाइटी में सारी चीजें क्यों नहीं है भाई, जब वहां पर ये सारी चीजें हो सकती है और इस वजह से वो लोग काफी प्रोग्रेस कर गए, तो हमें भी अपने कल्चर में और अपनी सोसाइटी में ये सारी चीजें दोबारा से एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी और रिफॉर्म लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनकी एजुकेशन ने ही हमें ह्यूमन राइट के बारे में बताया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ राइट होते हैं, उस राइट के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को अपनी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी इनके थिंकर रूसो, इनके बारे में देखा। रूसो बोलता है कि भाई नेचर ने हर ह्यूमन बीइंग को फ्री पैदा किया है, तो फिर हमारे आसपास जो सिस्टम है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करता है। तो ये वाली बात इनको भी अच्छी लगी कि भाई ये बात तो सही कह रहा है, जब नेचर ने हम सब में इक्वालिटी रखी है, उसने कोई डिफरेंस नहीं किया है, तो फिर कौन होता है हमें कंट्रोल करने वाला। तो ये सारी चीजें भी इसमें हुई, और
एक और सबसे बड़ा रीजन ब्रिटिश की रिलीजियस पॉलिसी। ब्रिटिश की रिलीजियस पॉलिसी धीरे धीरे हमारे देश में लोगों को क्रिश्चियन बना रही थी। ट्राइबल लोगों को कुछ मेडिसिन खिला दिया फीवर के टाइम और बोलते थे देखो आपकी तबीयत ठीक हो गई ना, तो इसका मतलब हमारा जो रिलीजन है वो ज्यादा अच्छा है और तुम्हारा वाला खराब है। तो ये जब रिलीजियस ब्रिटिश लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगे तो हमारे लोगों को अपने रिलीजन को खतरा लगा। उन्हें लगा कि ये लोग तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे रिलीजन को सारा खत्म ही कर देंगे और सारे लोगों को अपनी साइड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए भी ये रिफॉर्म आए। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें जो जो चीजें समझ आती गई वो चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करते गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब बेटू शुरुआत में आए थे तो इन्होंने हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की काफी ज्यादा तारीफ की थी। इन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ वेद थे, आपके यहाँ गीता थी, आप लोगों के यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो वर्ल्ड की काफी ज्यादा फेमस सिविलाइजेशन थी, वर्ल्ड की जीडीपी में 60% डोमिनेट करती थी और आप लोगों की हालत अब कैसी हो गई। तो जब ये सारी चीजें हुई तो हम सब लोगों को लगा भी जब एंशिएंट हिस्ट्री हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो हम लोग अभी क्यों इतने ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो उस बैकवर्डनेस का भी कुछ रीजन होगा और उसका रीजन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी चीजों में जुड़ा हुआ है। नेगेटिव रूप से हम एक तरीके से अपने काम को कर रहे थे, इस वजह से हम कल्चरली और रिलीजियसली काफी बैकवर्ड हो गए। तो प्राचीन जो टाइम था उसको याद करके हम लोगों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और फिर हमें लगा कि अगर हम लोग अभी रिफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें पता चलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस टाइम प्रिंटिंग आ गई थी, पुर्तगाली लोग इंडिया में प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन कर दिए थे। तो प्रिंटिंग के बाद ये लोग कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन, ये सारी चीजों से भी इंट्रोड्यूस हुए, पढ़ते भी थे, लोग भी पढ़ते थे। तो लोगों को भी पता चला कि भैया जस्टिस का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब क्या होता है, साइटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें इन्हें पता चली। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया में ये सारे रिफॉर्म हुए। अब हम बात करें नेचर, तो इसका नेचर भी कुछ ऐसा ही था जैसे इसमें हमें दिखते हैं कि भाई कॉजेज क्या क्या थे। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के जो एजुकेटेड लोग थे वो इस मूवमेंट को लेके चल रहे थे, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही मैगजीन पढ़ेंगे या मैगजीन लिखेंगे, एजुकेटेड लोग ही ये सारी चीजें जान सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो साथ में ही ये सबसे पहली बात एजुकेटेड, और एजुकेटेड में भी हम कह सकते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले जो लोग थे वो एक तरीके से इसका पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये मिडिल क्लास वाले भी ज्यादातर कहां से थे, शहर से, कह सकते हैं सिटी डोमिनेशन था और सिटी में जो जो प्रॉब्लम थी वो इस रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म में इन्वॉल्व हमें दिखाई दी। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने देखी थी कि भाई वुमेन के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ था, तो एक तरीके से ऐसे भी बोला जाता है कि इसका जो स्वरूप था वो वुमेन इसके सेंटर में थी। चाहे वो सती प्रथा की बात हो, सती सिस्टम जो इंडिया में चलता था, या फिर विडो रीमैरिज की बात हो, वो भी वुमेन से रिलेटेड था। तो ये सारी चीजें वुमेन से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सोशल और रिलीजियस मूवमेंट कहीं ना कहीं वुमेन से जुड़ी हुई चीजें ही कर रहा था और उसका रीजन था मिडिल क्लास को इन सारी चीजों से प्रॉब्लम होती थी। और फिर साथ में ही ये इनइक्वालिटी के इशू को भी उठाते हैं, तो इनइक्वालिटी भी इनका एक तरीके से नेचर था भाई कैसे हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए, और जब इक्वालिटी आएगी तभी तो हम कहीं ना कहीं एक तरह की चीजें करेंगे। और एक और चीज कि इन लोगों ने
एक विजन भी प्रेजेंट किया रिफॉर्म का। तो ये रिफॉर्मर भी थे। रिफॉर्मर का मतलब होता है जो एक पुरानी जो हमारे देश में कोई परंपरा या ट्रेडिशन चलाया जा रहा है उसको खत्म कर नए ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश करें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे कि हमें किसी रिलीजन या किसी चीज पर ध्यान ना देके सिर्फ एक हमारा रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी, एक इंसान की सेवा करना, ये सबसे बड़ा रिलीजन है। तो ह्यूमैनिटी की बात आई जो कि आपके रिलीजन से भी आगे की बात है कि आप लोगों को दूसरे ह्यूमन की सर्विस करनी चाहिए, यही आपका रिलीजन है, यही आपकी सोसाइटी की वैल्यू है। तो ये सारी चीजें हुई और साथ में ही इंडिया में लॉजिकल चीजें भी आने लगी। अंधविश्वास की जगह लॉजिक साइंटिफिक चीजें इस पर जोर दिया जाने लगा, क्योंकि हमें लगा था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो बैकवर्ड हुए। एक और रीजन ये भी है कि हम लोग ब्रिटिश की तरह अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कर पाए। जैसे हमारे देश में उस टाइम अक्षय कुमार दत्त एक साइंटिस्ट थे और साथ में डॉक्टर भी। अक्षय कुमार दत्त तो इन्होंने साइंटिफिकली बताया कि अगर किसी वुमेन की मैरिज कम एज में होती है, माइनर एज में होती है, तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके बच्चे पर भी, वुमेन की लाइफ पर भी। ये सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो ये जो मूवमेंट चला इंडिया में, इसने बहुत सारे नेचर के साथ इंडिया पर, कई बार इस मूवमेंट के नेचर को कंपेयर किया जाता है ब्रिटिश। ऐसा बोला जाता है कि भाई 15 सेंचुरी के आसपास ब्रिटिश लोगों के यहाँ भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म आए, जब चर्च उनको अब काफी ज्यादा डोमिनेट करता था और चर्च उनके वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा हर्डल पैदा करता था। तो लोग डेवलप कैसे हों, ऐसे ही इंडिया में भी ये सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन और इंडियन जो रिलीजियस रिफॉर्म है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक डिफरेंस था। यूरोपियन में जब हमने देखा कि भाई उनके वहां कैसे रिफॉर्म आए, तो यूरोपियन लोग ये सारी चीजें तो कर ही रहे थे जो हम लोगों ने भी की, जैसे ह्यूमैनिटी की बात उन लोगों ने की, लॉजिक की बात उन लोगों ने की, ह्यूमैनिटी लॉजिक साइंस ये सारी चीजें भी उनके वहां डेवलप हुई और ये सारी चीजें इंडिया में भी थी। साथ में यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई, इंडिया में भी इक्वालिटी की बात की गई। तो ह्यूमैनिटी लॉजिक और इक्वालिटी ये दोनों कल्चर में सेम था। डिफरेंस जो था वो एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये था कि ब्रिटिश लोगों ने कुछ नई नई चीजों को डेवलप किया, नया नॉलेज इन लोगों ने स्टीम वाले इंजन डेवलप किए, अपने यहाँ कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली, साथ में ज्योग्राफिकल रूप से पूरी दुनिया को घूमने का भी स्टार्ट किया। इसी वजह से ये लोग काफी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म आया, तो इंडिया में कहीं भी कोई नई चीज ढूंढने की या रिसर्च की बात नहीं हुई। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इंडिया में हम तक ही लिमिटेड है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म और यूरोपियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में किसी नई चीज का डेवलपमेंट या फिर किसी ज्योग्राफी की खोज करना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं थी। इन ब्रिटिश के में इन्वॉल्व थी, यूरोपियन जितने भी थे उनके उसमें इन्वॉल्व थी, और इसी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, लेकिन हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया। अब हम बात करें कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या थी। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इसका जो नेचर है, एक तो सिटी में कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये उठा रहा था।
लोअर क्लास की प्रॉब्लम नहीं उठा रहा था। हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। हमारे देश में जो अदर जो चीजें होती थी, ट्राइबल लोगों के साथ प्रॉब्लम थी, फार्मर की प्रॉब्लम थी, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि ये लोग एजुकेटेड लोग थे, शहर में रहते थे और मिडिल क्लास से थे, तो जो जो इनकी प्रॉब्लम थी वो एक तरीके से इसमें जुड़ी। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था और एक वीक पॉइंट भी था कि कहीं ना कहीं ये और जो हमारे सोसाइटी की चीजें थी उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाए। और इस वजह से एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, हमारे देश में जो कास्ट की प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा क्रिएट होने लगी और उसका फायदा भी उठाया ब्रिटिश लोगों ने। दूसरी एक और प्रॉब्लम थी, इन्होंने इंडिया के जो अलग अलग कल्चर थे उस पर भी फोकस नहीं किया। ये लोग समझते थे कि हमारा कल्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें बस ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए और ह्यूमैनिटी के बेस पर ही सारी चीजें कहीं ना कहीं सही प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशन थी कि इन्होंने सारी चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब बात करें कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन इसने क्या किया, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए इन्होंने हमारे देश के लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम लोग भी ब्रिटिश की तरह अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। और जब हम ब्रिटिश की तरह अपनी सोसाइटी को डेवलप कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग उनकी तरह भी डेवलप हो पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इंडियन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट, ये इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट है। भाई हम लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हुई जब हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को देखा और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ एनालाइजेशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हम लोग बोल तो रहे थे कि भाई हाँ ब्रिटिश लोग बेकार है वो है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर थी। तो इस चीज को इन्होंने बताया और इन लोगों ने बोला कि भाई ह्यूमन बीइंग फ्रीडम के साथ पैदा हुआ है तो उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो लोगों के पास फ्रीडम और इक्वालिटी, ये दो चीजें जो थी ये हमारी सोसाइटी में फेमस हो गई। लोग समझने लग गए कि वहां भाई फ्रीडम हमें भी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी इनके हो चाहिए। और एक और चीज, इन्होंने हमारे देश के लोगों को हमारी रिलीजियस जो आइडेंटिटी थी उससे भी फिर दोबारा से लोगों को जोड़ा। और इससे क्या हुआ, जो लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे थे कि भाई हमारा रिलीजन काफी ज्यादा वीक है और हमारे रिलीजन में वो ताकत नहीं है जो क्रिश्चियनिटी वाले में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ज्यादा ताकत है, इस वजह से ब्रिटिश लोग हम पे रूल कर रहे हैं और ब्रिटिश लोग ये चीजें बार बार सो भी करते थे। तो लेकिन जब इन्हें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया, हमारे वेदों के बारे में बताया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया, तब इन लोगों को समझ आया कि हमारी हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इतनी बेकार नहीं है। तो ब्रिटिश लोग जो हमें गिल्ट फीलिंग करा रहे थे कि आपका रिलीजन बेकार है, आप लोग काफी ज्यादा बैकवर्ड हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो उस गिल्ट फीलिंग से कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से फ्री हुई। तो गिल्ट फीलिंग या हम कंपेयर कर रहे थे इंडियन कल्चर को उनके कल्चर से, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मिली। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने इंडिया में नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इंडिया में, नेशनलिज्म का मतलब होता है वी की फीलिंग, कि हम सब एक हैं। पहले हम लोग अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटी में डिवाइड करते थे, लेकिन इसने हमें बताया कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब लोग एक हैं, ना हम में से कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है, सब लोगों के साथ एक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये सारी चीजें भी होना स्टार्ट हुई। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने जो एक्ट बनाए, चाहे सती सिस्टम को अबोलिश करने का एक्ट हो या विडो रीमैरिज का एक्ट हो,
या और भी जो एक्ट जिनके थ्रू इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को भी कुछ राइट दिए, तो उससे इंडिया में बैकवर्डनेस कम हुई और फिर धीरे धीरे यही लोग इंडिया में नेशनलिज्म मूवमेंट के एक प्रमुख हीरो बना। तो ये सारी चीजें इंडिया में डेवलप हुई। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि भाई कैसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने कैसे इंडिया में नेशनलिज्म को प्रमोट किया, तो उसके कुछ रीजन होंगे कि भाई नेशनलिज्म इंडिया में प्रमोट हुआ, तो उसके कुछ प्रमुख रीजन भी आप लोग भी याद रखना। सबसे पहला रीजन कि इन्होंने कैसे एक हर तरीके से हमारे देश में सारी चीजें की, पहला इन्होंने कहीं ना कहीं वर्णा सिस्टम जो इंडिया में था, चार वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीजों पर एक तरीके से चोट की। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में ह्यूमन यूनिटी प्रमोट हुई, और जब ह्यूमन यूनिटी प्रमोट होगी तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म प्रमोट होगा। तो पहला रीजन ये, ऐसे इन लोगों ने हमारे देश में मोर्चा लिया। दूसरा, लोगों के अंदर गिल्ट फीलिंग या अपने कल्चर को बेकार मानना कि हम लोग काफी ज्यादा इंफीरियर हैं, इसको इन लोगों ने खत्म किया। और जब ये सारी चीजें खत्म हुई तो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आने की वजह से ये लोग भी नेशनलिज्म मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। अगला, इन लोगों ने एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन की वजह से लोगों को फ्रीडम के बारे में पता चला, इक्वालिटी के बारे में पता चला। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सुकरात, ये सब लोग क्या बोलते हैं, इनके बारे में पता चला, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में अवेयरनेस आई। जब लोगों में अवेयरनेस आई तो उससे भी हमारे देश में नेशनलिज्म मूवमेंट प्रमोट हुआ। अगला, इन लोगों ने वुमेन के फ्रीडम की बात की, और वुमेन जो हमारे देश का 50% पॉपुलेशन थी, जब उसके फ्रीडम की बात की तो वुमेन को बाहर आने का मौका मिला, वुमेन को फ्रीडम मिली, तो ये भी वुमेन भी नेशनलिज्म मूवमेंट में इंक्लूड हो गई। अगला, इन लोगों ने जो भी पेपर लॉन्च किए, न्यूज़पेपर चलाए, कुछ मैगजीन चलाई, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो इन लोगों ने चलाई, इनकी वजह से लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन गई, तो लोग ये समझ पाए कि भैया हमारा रियल में एनिमी कौन है, हमें किसी जमींदार से या किसी लैंड लॉर्ड से नहीं लड़ना, हमें लड़ना है हमारे सामने मौजूद सबसे बड़े एनिमी से। तो इन लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू अपने एनिमी के बारे में पता चला, और सबको पता चला अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो इस एनिमी को हरा सकते हैं, और यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो ये एनिमी हमें हरा देगा। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म मूवमेंट प्रमोट हुआ। तो आप लोगों से प्री में या मेंस में कहीं भी पूछा जा सकता है कि कैसे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और क्या क्या रीजन थे उसके। पहला वर्णा सिस्टम, दूसरा गिल्ट फीलिंग या इंफीरियर जो हमारे कल्चर के प्रति थी उसके खत्म किया, तो उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस, वुमेन राइट की वजह से वुमेन इन्वॉल्व हुई नेशनल मूवमेंट में, पब्लिक सपोर्ट बढ़ा, न्यूज और पेपर, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिली और अपने राइट को एक साथ रख पाए और ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच पाए। तो ये इसने एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में जो फादर थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग फादर थे जिन्होंने इंडिया में एक नई तरीके से लोगों को अवेयर करके, इसे हम कहते हैं नव जागरण या इनलाइटमेंट, हम सब लोगों को कराया कि भैया कैसे हम लोग अपने आप को जान सकते हैं। और सबसे पहले जो पर्सन है जिन्होंने इंडिया में ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पहले इंडियन रिफॉर्मर थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और हम लोगों ने देखा भी कि राजा राम मोहन राय
सती सिस्टम के खिलाफ काफी थे। उनकी भाभी की, जब भाई की डेथ हुई बड़े भाई की, तो उनकी भाभी को लेके जाया जाती है। ये एजुकेटेड बहुत थे, काफी ज्यादा एजुकेशन ली, फीलिंग भी अच्छी थी, तो इसलिए राजा राम मोहन राय एक्टिव हुए। तो पहले पर्सन जो हमें इस मूवमेंट में दिखते हैं वो है राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय पे कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके रिलीजियन मूवमेंट पर, कि भाई इन्होंने क्या क्या हमारे देश में किया। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है कि राजा राम मोहन राय कौन थे। पहले तो यही पूछा, इनकी बहुत सारे न्यूज़पेपर भी फेमस थे और इन्हें बोला जाता है इंडिया का नव जागरण या न्यू तरीके से इंडियन सोसाइटी में कुछ वैल्यू डेवलप करने वाली चीजें इन्होंने इस्टेब्लिश की या इनलाइनमेंट किया। और एक और चीज बोली जाती है स्टार ऑफ इंडिया न्यू मूवमेंट, इंडिया में जो न्यू मूवमेंट चले उसके स्टार थे। साथ में इन्होंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को लिंक करने वाला भी कहा जाता है। ईस्टर्न कल्चर मतलब इंडियन कल्चर, वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कल्चर। इन दोनों में इंटीग्रेशन करके इन्होंने नई चीज डेवलप करने की भी कोशिश की। और एक और चीज इनके बारे में बोली जाती है कि राजा जी के दो घर हुआ करते थे, उनके पास दो हाउस थे, जिसमें से एक हाउस में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सारी चीजें फॉरेन थी। कहने का मतलब राजा की जो आइडेंटिटी है कि हाँ भाई मैं राजा राम मोहन राय हूं, वो सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक थी या इंडियन कल्चर था, और इसमें इन्वॉल्व थी इनकी सारी फॉरेन चीजें। और ये वेस्टर्न फिलोसॉफी से भी बहुत सारी चीजें जो अच्छी थी वो लेते थे। अगला, राजा को छोड़कर, राजा राम मोहन को छोड़कर सारी चीजें हमारी देसी, तो डोमेस्टिक। इसका मतलब ये इक्वली इंपोर्टेंस देते थे इंडियन कल्चर को और साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी, और वेस्टर्न कल्चर की भी बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की। और दो टर्म और हम पढ़ेंगे, एक होता है वेस्टर्निज्म, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को दो चीजें और पता चलेंगी, एक होता है वेस्टर्निज्म और दूसरा होता है मॉडर्निज्म, इनमें डिफरेंस होता है वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म में। देखो, जब आप किसी दूसरे कल्चर की या वेस्ट के कल्चर को बिना लॉजिक के या बिना इस चीज के कि उसका फायदा क्या होगा या आपको नुकसान क्या होगा, आप लोग उसे अपना लेते हो। जैसे वेस्टर्न क्लॉथ जो हम लोगों ने पहनना स्टार्ट किया, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भाई इसकी वजह से हम लोग थोड़े इंटेलिजेंट हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे, या ये हमारी ज्योग्राफी को सूट करता हो, ऐसा बिल्कुल उसमें लॉजिक नहीं है। तो जब हम उन चीजों को अपनाते हैं तो वो वेस्टर्निज्म का पार्ट है। मॉडर्निज्म मतलब जब हम लॉजिक वे में किसी चीज को अपनाते हैं, किसी दूसरे कल्चर की चीजों को अपनाते हैं, तो वो कहलाता है मॉडर्निज्म। जैसे हम लोगों को जरूरत थी ऐसी दुनिया की या वर्ल्ड की जिससे हम एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाए, तो हम लोग अगर वेस्टर्निज्म के इंटरनेट को यूज करते हैं तो इससे हम लोगों को भी फायदा हुआ। हम लोग अभी ऑनलाइन ये जो क्लास ले पा रहे हैं, ये इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया से पॉसिबल है। तो अगर आप लोग मोबाइल या अपने गजट का जो डिजिटल रहता है उसे अपनी लाइफ में कुछ इंक्रीज करने के लिए यूज करते हो, इसका मतलब आप लोग मॉडर्निज्म के पार्ट हो। लेकिन आप सिर्फ गेम खेलने के लिए या इसलिए कि भैया रील अच्छा बनता है उसलिए मोबाइल को यूज करते हो, तो वो वेस्टर्निज्म का पार्ट है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसके फॉलोअर हो रहे हैं
उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमें नहीं चला रहा, हम मोबाइल को नहीं चला रहे बल्कि मोबाइल हमें चला रहा है, तो वेस्टमिज्म का पार्ट है। लेकिन जब आप लॉजिकल वे में मोबाइल का या डिजिटल गैजेट का यूज करते हो तो मॉडर्निज्म का पार्ट है। तो राजा राममोहन राय हमेशा एक चीज बोलते थे, हमें मॉडर्निज्म पे फोकस करना है, वेस्टमिज्म पे नहीं। ये नहीं कि वेस्ट की जो भी चीजें, क्योंकि उनके कल्चर में भी कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, हर कल्चर में होती हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल आंख मूंद कर सारी चीजें वेस्ट से नहीं लेनी चाहिए। कुछ चीजें इंडियन कल्चर की इतनी स्ट्रांग है जो वेस्टर्निज्म में भी नहीं है। जैसे हमारे देश में शुरू से ही ये चीज रही है कि किसी भी चीज का, कोई भी क्लॉथ हो या कोई भी गुड्स हो, उसको यूज एंड थ्रो करके फेंक नहीं देना चाहिए कि भैया वन टाइम यूज किया और फिर देखा कि हमारे यूज का नहीं है तो उसे हमने थ्रो कर दिया। तो उसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा सामान होते हैं आपके, और उस वेस्ट को हम या तो डंप कर देते हैं या जला देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारा हमें नुकसान भी होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ये इंडियन कल्चर कैसा रहा है, नहीं बार बार हम उसको यूज करते हैं। आपके घर में दादी या नानी होंगी तो उनके उसमें देखा होगा, जब भी आपका कपड़ा पुराना हो जाता था उससे कोई चीजें बना ली जाती थी या फिर उसे सफा साफ सफाई के लिए यूज कर लिया जाता था, तो उसमें हम लोग काफी ज्यादा यूज करते थे और रिसाइकलिंग करते थे एक तरीके से कि भैया ये इस काम में नहीं तो इस काम में आ जाएगा, इस काम में नहीं तो इस काम में आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम ज्यादा शॉपिंग करने लगे या ज्यादा यूज करने लगे वो वैश्विज्म का फर्क है। तो हमारे देश में भी कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा, लेकिन पहले हमारे कल्चर में कंज्यूमरिज्म नहीं था। तो इन्हीं चीजों की बात हमारे राजा राममोहन राय जी कर रहे थे कि भैया हमें उन्हीं चीजों को अपनाना चाहिए जो हमारे फायदे की हो वेस्ट से, ऐसा नहीं कि वहां पे सारी चीजें फायदे की। और हमेशा एक चीज इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, बोले कि इतने ज्यादा गॉड या इतने ज्यादा जो हम फेथ में बिलीव करते हैं, क्यों ना हम एक ही फेथ डेवलप कर लें। तो इन्होंने अपने टाइम में ब्रह्म समाज या सोसाइटी इसको एस्टेब्लिश किया। इस ब्रह्म सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो राजा राममोहन राय है, और इसको इन्होंने कैसे एस्टेब्लिश किया, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें ली और डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके इन्होंने एक नई सोसाइटी एस्टेब्लिश की। इसके दोस्तों ने, इनके दोस्तों ने सबने बोला भैया आप तो थोड़े से इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर लेते सोसाइटी जिससे और लोगों को भी फायदा हो। तो ब्रह्म सोसाइटी का मेन पर्पज यही था कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जो भी चीजें हैं उन सबको साथ में लेके जाए। जैसे इन्हें लगा कि मुस्लिम रिलीजन में जो एक ही गॉड को माना जाता है कि भाई ओनली वन आइडेंटिटी है गॉड की, वो इन्हें काफी ज्यादा पसंद आई। और ये पिक्चर के फॉर्म में या एक तरीके से जो टेंपल में हमारी मूर्तियां रखी रहती उसमें भी बिलीव नहीं करते, ये बोलते थे कि मूर्तियों से कुछ नहीं होता, एक ऐसा आकार होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो। और कभी आप लोगों ने मस्जिद देखी हुई या इस्लाम रिलीजन देखा हो तो वहां पे देखा होगा कोई भी ह्यूमन या एनिमल का कोई भी पेंटिंग आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते उसमें। नहीं लगता है कि भाई अगर हमने अपने रिलीजन को किसी गुण में या किसी आइडेंटिटी में डिफाइन कर दिया तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से लिमिटेड हो जाएगा। तो आप कोई भी मुस्लिम स्ट्रक्चर देखोगे, चाहे ताजमहल देखो या रेड फोर्ट देखो, वहां पे कोई भी एनिमल या आपको ह्यूमन बीइंग की पिक्चर नहीं दिखी देगी। उसका रीजन है इस्लाम में वो सारी चीजें बैन है, तो वो उस चीज में बिलीव नहीं करते, और ये चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी इस्लाम रिलीजन की। तो इन्होंने ये एक तरीके से मॉडर्निज्म की वजह से अपनाया, ना कि वेस्टर्निज्म की वजह से कि भाई इन्हें फायदा नहीं था इसलिए ये सारी चीजें अपनाई। साथ में ही इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, बहुत सारी मैगजीन ये लिखते थे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखते थे। इन्होंने इंग्लिश, बांग्ला जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी, हिंदी, इन सब में भी बहुत सारी अपनी
मैगजीन निकाली और इसमें लोगों को एक तरीके से जोड़ा गया, लिंक किया गया कि भाई कैसे आप लोग भी दूसरे कल्चर की चीजों को जान सकते हो और उन चीजों को जान के हम लोग कैसे अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी थी। और ब्रह्म समाज के बारे में एक चीज और याद रखना, कई बार क्रोनोलॉजिकल लगाने में आ जाता है, तो 1828 के आसपास ये एस्टेब्लिश हुई और इनकी वजह से ही 1829 में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि इन्होंने एक एक्ट बनवाया ब्रिटिश लोगों से सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। तो वो कब बना था? 1829 के एक्ट के थ्रू सती सिस्टम को अबॉलिश करवा दिया। तो राजा राम मोहन राय जी का हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था और ये हमेशा मॉडर्निज्म पे फोकस करते थे, ना कि वेस्टर्निज्म पे। एक चीज इन्हें बहुत अच्छी लगती थी वेदों की, इन्होंने वेदों से भी बहुत सारी चीजें ली। वेद जो हमारी बात करते थे कि भाई सोल, हमारा मेन गोल होना चाहिए अपनी सोल को प्योर करना, और सोल हमारी जितनी ज्यादा प्योर होगी, और सोल आपकी प्योर कब होगी? जब आप दूसरे इंसान की हेल्प करोगे, ह्यूमैनिटी की बात करोगे। ये नहीं कि दूसरे के साथ चीटिंग करके आप अपनी सोल को अच्छा कर सकते हो। तो वो सारी चीजें इन्होंने हमारे इस रिलीजन से मिली। और इन्होंने एक और चीज बोला कि भैया किसी भी बुक को या किसी पर्सन को आप लोगों को मोक्ष का सोर्स नहीं मानना चाहिए कि वो आप लोगों को इनलाइटमेंट दे देगा। हमेशा आपका गोल होना चाहिए, जिससे कोई भी चीज लेनी है ले लो, लेकिन आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करनी चाहिए। जब तक आप लोग सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपकी आत्मा को ना तो शांति मिलेगी, ना आपको कोई इनलाइटमेंट मिलेगी। इस चीज की भी बात करते हैं कि भैया किसी पर डिपेंड ना रहो कि भैया वो पर्सन आएगा या वो पर्सन या वो बुक मुझे मिलेगी तब मेरे जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तो इसकी बात कभी नहीं करते थे। बोले जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास है उससे चीजें लो, लेकिन आप लोगों को उसमें अपने अकॉर्डिंग उस चीज को यूज करना चाहिए, ना कि कोई और बोले उसके बेस पे आप लोग यूज करो। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने हमें प्रोवाइड करी। और साथ में ही इनके जो ब्रह्म समाज है वहां पे हर सैटरडे को एक मीटिंग भी हुआ करती थी। हर सैटरडे मीटिंग में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों को बुलाया जाता था, जैसे स्पीच दी जाती है, और आपस में ये लोग डिबेट करते थे कि भाई कौन सी चीज को हमें यूज करना चाहिए, कौन सी चीज को हमें छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें भी इन्होंने बताना स्टार्ट किया कि भैया ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए और ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में ब्रिटिश के साथ मिलकर इंडिया में एक कॉलेज एस्टेब्लिश करवाया। ब्रिटिश लोगों से बोला कि भाई आप लोग हमारे देश में भी कोई कॉलेज एस्टेब्लिश करवाओ। और इनकी एक खासियत क्या थी, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया। जैसे इन्होंने, आप लोगों के यहाँ भी होगा, आपके आसपास शहर में देखोगे हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश करवाए। और हिंदू कॉलेज जो थे ये मॉडर्न एजुकेशन वाले थे, और साथ में ही वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज ये एक तरीके से हमारे ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको देने के थे, हमारे जो वेद थे। तो इसका मतलब ये दोनों में एक तरीके से मिक्सचर चाहते थे कि भाई हम लोग अपने ट्रेडिशनल चीजों को भी याद रखें जो हमारे पास नॉलेज है, और साथ में ही जो नए कॉलेज हैं उनको भी याद रखें। और ये दोनों इन्होंने एस्टेब्लिश किए कोलकाता में, ये भी याद रखना। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। और दोनों एस्टेब्लिश किए कोलकाता में, ये भी वही के थे। और कोलकाता में ब्रिटिश की, आप लोगों को पता है कि पहली कैपिटल जो इंडिया में बनाई वो इनकी कोलकाता थी, तो इसकी वजह से वहीं पर ये सारी चीजें होती रहती थी। और इन्हें बोला जाता है कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इंडिया में
न्यूज़पेपर, मैगजीन इसको एस्टेब्लिश किया और साथ में आप अपने थ्रू ही बहुत सारी मैगजीन और न्यूज़पेपर लिखे। जैसे इनका एक फेमस अखबार है जो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर, मिरातुल, मिरातुल राजा राम मोहन राय जी का फेमस न्यूज़पेपर है मिरातुल। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी फारसी। फारसी उस टाइम मुगल रूलरों की भाषा हुआ करती थी और साथ में ही हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी ये यूज की जाते थे। तो ये इनकी जो फारसी लैंग्वेज थी वो ये यूज करते थे। फिर एक और इन्होंने लिखा संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी, ये भी इनका ही था। इससे ये लोग लोगों से एक तरीके से इंटरेक्ट करते थे। और ये किस में लिखा था, लोकल लैंग्वेज बांग्ला में। तो ये भी इनका एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया था। तो फर्स्ट इंडियन जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन लोगों की बात सुनने के लिए बुलाया। और वहां पर इन्होंने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया तो इन्होंने बोला कि भाई सिविल जो आप लोगों ने सिविल सर्विस लॉन्च की है उसका इंडियनाइजेशन किया जाए, मतलब इंडियन लोगों को भी आप लोग सिविल सर्विस में इन्वॉल्व करो। तो ब्रिटिश लोगों से इन्होंने डिमांड की भैया आप लोग ये सारी चीजें भी करो। और एक बार ये मुगल रूलर अकबर सेकंड रूल करते थे तो उनके एज आ अपॉइंटिंग मेंबर बनके ये लंदन गए और अकबर सेकंड ने इन्हें अपनी पेंशन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, इस राइट को लेकर ये वहां पे पहुंचे। और उसके बाद ये लंदन में उनके राजा से भी मिले, साथ में बड़े बड़े ऑफिसर से भी मिले। और फिर कुछ टाइम बाद वहीं पे लंदन में ही इनकी थोड़ी सी हेल्थ खराब हो जाती है और हेल्थ खराब होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद इनकी जो सोसाइटी है ब्रह्मो समाज, इसको और सारे लोग जो है बाद में इनके जो दोस्त थे, कुछ इनके फॉलोअर थे, उनके हाथ में ही सारी चीजें छोड़ जाते हैं। तो ब्रह्म समाज को जब ये वहां पर चले जाते हैं तो एक नए जो लीडर है देवेंद्रनाथ टैगोर, शुरुआत में रामाचंद्र विद्यावगीश को ये दे जाते हैं कि भैया आप देख लेना मैं कुछ दिन में आया, लेकिन बाद में रामचंद्र जी देखते हैं लेकिन फिर पता चलता है कि भाई राजा जी तो बचे ही नहीं। तो फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की जानकारी में या उनके दादाजी से जुड़े हुए हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसके एक लीडर बनते हैं। और ये ब्रह्म समाज में इंप्रूवमेंट के लिए एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम है तत्व बोधनी, तत्व बोधनी, ये बुक भी लिखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और फिर धीरे धीरे ये इनका एक प्रमुख पेपर बन जाता है तत्वबोधनी। और फिर ब्रह्म समाज की जो भी चीजें वो तत्वबोधनी से दी जाने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद डिवीजन हो जाता है ब्रह्म समाज का। और डिवीजन का सबसे बड़ा रीजन था कुछ लोग चाहते थे कि ब्रह्म समाज को चलाया जाए हमारे कल्चरल तरीके से, कुछ लोग बोले थे नहीं कल्चरल तरीके से नहीं, राजा जी का जो विजन था वो तो था मॉडर्निज्म वाला, तो हम लोग अगर कल्चरल तरीके से चलाएंगे तो इनका विजन पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से इनके जो फॉलोअर थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बौद्ध रिलीजन में भी ऐसा डिवीजन हुआ, हिंदू रिलीजन में भी ऐसा डिवीजन हुआ, ऐसा ही इनके यहाँ हुआ। तो 1866 में ब्रह्म समाज का डिवीजन हुआ और डिवीजन का रीजन यही था कि सबके थॉट अलग अलग थे।
तो सब अपने तरीके से एक तरीके से चाह रहे थे। एक तरफ केशव चंद्र जी लीड कर रहे थे और केशव चंद्र जी ने अपने फॉलोअरों के साथ मिलकर देवेंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ एक तरीके से कुछ रेवेलियन किया और उनसे बोला कि भाई हमें अलग दे दो। तो फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन और उसके लोगों ने इंडियन ब्रह्म समाज इसको एस्टेब्लिश किया। चीजें ज्यादातर इनकी वही थी, बस ये था ये थोड़े लिबरल थे और नई चीजें एस्टेब्लिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर का जो गुट था वो आदि ब्रह्म समाज, कि भैया आप लोग थोड़ा पुरानी बातें मानते हो इसलिए आपके समाज का नाम क्या है, आदि ब्रह्म समाज, ये इनका नाम हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो केशव चंद्र सेन है, क्योंकि ब्रह्म समाज में कुछ चीजें बैन थी, जैसे आप लोगों को सती सिस्टम को फॉलो नहीं करना, दूसरा माइनर की मैरिज नहीं करना, विडो रिमैरिज को फॉलो करना, ये सारी चीजें ब्रह्म समाज के जो भी फॉलोअर थे उनको माननी पड़ती थी। लेकिन केशव चंद्र सेन खुद ही अपनी एक माइनर बेटी की शादी कर देते हैं किसी सीनियर पर्सन से, तो फिर इनके खिलाफ ही रिवॉल्ट एस्टेब्लिश हो जाता है और फिर अलग अलग लोग शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस वो इनके खिलाफ ही एस्टेब्लिश हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया केशव चंद जी आप हमारे गुरु हो, लेकिन राजा जी ने जो बातें बोली थी उनको आपने फॉलो नहीं किया, आप खुद ही हमसे कह रहे थे कि हमें लिबरल होना चाहिए, ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आपने फॉलो नहीं की। तो फिर उसके बाद सिंपल ब्रह्म समाज इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये सेकंड डिवीजन है ब्रह्म समाज में और इसको लीड कौन कर रहे थे, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, कई बार अक्सर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया दो डिवीजन जो ब्रह्म समाज में हुए वो किस किस रीजन की वजह से हुए, तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ब्रह्म समाज एक तरीके से डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद इनको जो राजा की टाइटल मिला था वो अकबर सेकंड ने दिया था, उस टाइम जो मुगल रूलर थे, जब ये इनकी बात को मान गए कि ठीक है मैं आपकी बात को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाऊंगा, तो अकबर सेकंड ने इन्हें राजा का टाइटल दिया कि भैया तुम तो राजा हो। ठीक है, तो राजा का टाइटल अगर पूछ लिया जाए कि भाई राजा का टाइटल राजा राम मोहन राय को कहां से मिला, तो अकबर सेकंड से इन्हें राजा का टाइटल मिला और उसके बाद इन्हें राजा के नाम से जाना जाने लगा। अब आप लोग कुछ पॉइंट लिख लो जो भी हमने पढ़ा है, कुछ लोग लेट भी आए हैं, लिखिए आप लोग कुछ पॉइंट लिखना। पहले हेडिंग डालना सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, पूरा नाम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी इंडिया में स्टार्ट होगा और इसका एक हेडिंग रीजन, उसमें लिखिए पहला पॉइंट मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश create a class which analyze their social problem analyze
their social problem and started social and religious reform movement and started social and religious reform movement. Point number second. Policy of Christianity. Policy of Christianity also promote Indian also promote Indian to save their identity to save their identity need to reform in religion need to reform in religion and society religion and society. Point number third. Western humanism theory. Western humanism theory also also create awareness in Indian people awareness in Indian people related to human rights comma equality comma freedom and liberty human rights comma equality comma freedom and liberty and liberty. Next point. Some European also study Indian ancient text. Some European study Indian ancient text. Which said they are best in world. Which said they are best in world. It create self
मोटिवेशन, इट क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन इन इंडियन टू इरेडिकेट देयर सोशल प्रॉब्लम नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन क्रिएट अवेयरनेस इन इंडियन बाय गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल हाउ दे टॉर्चर इंडियन देयरफॉर सेल्फ respect also promote us to do reform in their society तो ये मैगजीन और न्यूज़पेपर अलग अलग जगह जो भी इंसिडेंट होते थे वो हम सब लोगों को पता चलता था। फिर हम लोगों को लगा कि भाई हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जो भी इंडिया में इंटेलिजेंट पीपल थे, चाहे राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खां, ये सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने रिलीजन और सोसाइटी में रिफॉर्म लाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा खराब लगता था कि भाई हम लोग क्यों इनका ये सारी चीजें सहन करें, क्यों इनका टॉर्चर सहन करें, एक्सप्लॉइटेशन। तब इन लोगों ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की और उसके बाद इंडिया में ये एक तरीके से बेस रेडी कर रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट का। और इंडिया का जो पहला फेज आप लोग देखेंगे 1885 टू 1905, कांग्रेस एस्टेब्लिश होगी 1885 में, 1905, और कांग्रेस का जो विजन होगा लिबरलिज्म वाला वो कहीं ना कहीं इस रिफॉर्म से ही आएगा। और कांग्रेस को थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा, छोटी छोटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के साथ ऐड हो जाएंगी। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये सारी चीजें जो हम इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारा नेशनलिज्म मूवमेंट कहीं ना कहीं इस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, लैंग्वेज के बेस पर रिलीजियस बैरियर टूट जाएंगे, तब हमारे देश में नेशनलिज्म आएगा। और इंडियन नेशनलिज्म जो मॉडर्न टाइम में था, देखो पहले एंशियंट टाइम में हमें कभी नेशनलिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था हमारे देश में एंशियंट टाइम में जो भी कल्चर आया, चाहे आर्य लोग आए हो या फिर मुस्लिम लोग आए हो मिडिवल टाइम पीरियड में, इसमें दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल लोग आते हैं, इनकी एक
इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये लोग जब इंडिया में आए तो इंडियन लोगों के साथ मिल गए, हमारे कल्चर आइडेंटिटी साथ इन्होंने ज्वाइंट कर लिया। और कहीं ना कहीं जो भी चीजें एस्टेब्लिश करेंगे, चाहे आपका ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, वो ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में जाके बना, वो इंडिया में ही बना, इंडियन लोगों के लिए बना। ऐसा ही आप लोग एंशियंट टाइम में देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी हो या बाद में आर्य लोग या अशोक ने पिलर बनवाए, वो सब इंडिया में ही बने। तो इसका मतलब इंडियन रिसोर्स इंडियन के लिए अवेलेबल था। इन ब्रिटिश के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये कभी हमारे कल्चर में मिले ही नहीं, और इन्हें अपने आप को सुपीरियर दिखाना था। इनका मेन गोल हमेशा यही रहा कि इंडिया से रिसोर्स लिए जाए और इंडिया से रिसोर्स लेके ब्रिटेन को डेवलप किया जाए। हम लोगों को इसलिए ब्रिटिश लोगों से प्रॉब्लम हुई, अगर ये यहीं के हो जाते इंडिया के तो इंडियन कल्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग वैसे ही इतने डाइवर्स थे, एक और कल्चर मिल जाता। इन कभी इन लोगों ने हमें अपना समझा ही नहीं, इस वजह से इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा दिक्कत हुई और हम लोगों को इकोनॉमिक रिसेसिव पॉवर्टी आई, फेमन आए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ब्रिटिश लोगों ने कभी इस देश को अपना समझा ही नहीं, वरना हमारे देश में बहुत सारे कल्चर आए और हमेशा वो अपने आप को यहाँ का समझते। अकबर ने भी जो भी चीजें बनाई वो इंडिया में ही रह गई, ब्रिटिश वालों ने जो भी चीजें बनाई वो ब्रिटेन में ही रह गई। ये लोग रेलवे बनाएंगे लेकिन हमारे फायदे के लिए नहीं, ब्रिटेन में रॉ मेटेरियल कैसे ये लोग एक्सपोर्ट करें या अपने पोर्ट से इंडिया में गुड्स कैसे इम्पोर्ट करें, इसके लिए बने। एजुकेशन सिस्टम भी किस लिए, हम लोगों को कैसे सस्ते क्लर्क मिले, ये सारी प्रॉब्लम इंडिया के साथ इन लोगों ने क्रिएट की, वरना बाहर के आने वाले लोगों से कभी इंडियन कल्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिसोर्स लेके जाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे अगले जो हमारे रिफॉर्मर आएंगे दयानंद सरस्वती, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगला हम कल की क्लास में करेंगे। दयानंद सरस्वती जिनको हिंदू लूथर भी कहा जाता है, वेदों की बात करेंगे, ऋग्वेद अपना वो सारी चीज, तो हम कल देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है।